सी क्वेश्चन 3 शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप दो ऐसे नंबर, वो नंबर स्क्वायर रूट भी हो सकते हैं और वो नंबर बगैर स्क्वायर रूट के भी हो सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकते हैं। ऐसे कोई भी दो नंबर सोचिए, आपको ढूंढने पड़ेंगे कि जिनका स्क्वायर करने पर आपको ये 5 मिले। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो 5 के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है तो उन दोनों का स्क्वायर नंबर कराकर, स्क्वायर कराकर 7 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये सर्च करना है, तो दो ऐसे नंबर कौन से होंगे जिनका स्क्वायर करने पर आपको 5 मिले, तो वो दो नंबर होंगे 2 और 1। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो आपको 4+1 5 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स अब आपका क्या रहेगा, आप नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। आप 2 यूनिट की यहाँ पर क्या ले लीजिए, ये आपका बेस हो जाएगा 2 यूनिट, और इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लेंगे, दिस इज 1 यूनिट, और जो हाइपोटन्यूज होगा, हाइपोटन्यूज जो होगा वो रूट 5 के इक्वल आ जाएगा इस तरह से। अब कैसे हम करेंगे, देखिए अब मैं फाइनली आपको बता देता हूं। तो आप एक नंबर लाइन, यहां से आप सॉल्यूशन, अभी तो मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, नंबर लाइन के मिड में 0 ले लीजिए और फिर 2 यूनिट दूर पर एक पॉइंट ले लीजिए एंड पॉइंट का नाम दे दीजिए ए। तो ये 0 को हमने ओ से रिप्रेजेंट करा रहे हैं और ओ ए ले लिया, टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर आपने ले लिया, ये 2 यूनिट का था। अब क्या करेंगे, ए बी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अप टू 1 यूनिट। तो ये आपने ए बी जो है 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, और यहां पर ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट का है। नाउ ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन करा दीजिए ओ बी, ज्वाइन ओ बी। ये जब ओ बी को आप ज्वाइन कराएंगे तो ये जो ओ बी आएगा, दिस ये ओ बी जो होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल होगा। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है। कैसे, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है, ये हम कहेंगे दैट इज ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखिये यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करा देता हूं किस तरह से। नाउ एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी में ओ बी का स्क्वायर जो के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस जब आप अप्लाई कराएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस यानी ए बी और ओ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा ओ बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, तो ये पाइथागोरस से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 के सामने वाली ये ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। वहीं आप देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूज OB हो गया जो कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ओ ए कितना है, ओ ए है 2 का स्क्वायर, ए बी कितना है 1 का स्क्वायर, दैट इज 4+1 5। इसीलिए मैंने आपको कहा था दो ऐसे नंबर सर्च करिए जिनका स्क्वायर 5 आए। तो ओ बी स्क्वायर जो है वो 5 आया, तो ओ बी कितना आ जाएगा √5। तो आप देख सकते हैं क्यों ओ बी जो है √5 है, इस वजह से ओ बी √5 है।